एक सरकारी मुलाजिम का तबादला एक जोन से दूसरे जोन में हो जाए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, तो आप और मैं ये बात हाजम कर सकते हैं। वहीं जब एक सरकारी मुलाजिम का तबादला एक कमरे से दूसरे कमरे में हो जाए तो आपके लिए और मेरे लिए ये बात हाजम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। कुछ दिन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर जारी होता है जिस ऑर्डर में बहुत सारे लोगों की ट्रांसफर्स की गई हूं। अगर हम ट्रांसफर्स की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, उसके बाद फॉरेस्टर, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद माली, बहुत सारे लोगों की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर की गई, उनका तबादला हो गया। कुछ लोगों ने एक कंपार्टमेंट से लेके दूसरे कंपार्टमेंट में उनकी ट्रांसफर हो गई। उसके बाद कुछ लोगों की एक बीट से लेके दूसरे बीट में भी हो सकती है। उसके बाद कुछ लोगों की एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दूसरे फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट डिवीजन से दूसरे फॉरेस्ट डिवीजन में भी ट्रांसफर हो गई है। मगर वहीं कुछ लोगों की इस ऑर्डर में ट्रांसफर एक कमरे से दूसरे कमरे में हुई है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये ऑर्डर नंबर बताता हूं। ये ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर के दफ्तर से निकलता है। ऑर्डर नंबर 33/2024 है और इसकी तारीख की अगर मैं बात करूं तो तारीख 14/2/2024 है। ये ऑर्डर जब निकलता है तो बहुत सारे लोगों को, लोगों की जो मैंने पहले ही मेंशन किया कि इन इन लोगों की ट्रांसफर जो है, इन इन सरकारी मुलाजिमों की ट्रांसफर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में की गई। मगर जब हमने देखा कि कुछ लोगों की ट्रांसफर जो है एक फॉरेस्ट डिवीजन से दूसरे फॉरेस्ट डिवीजन में हो गई, कुछ लोगों की ट्रांसफर जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में हो गई, आखिर ये कब से ऐसा चल रहा है? जब हमने जानकार सूत्रों से पता किया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं और उनका तबादला एक कमरे से दूसरे कमरे में यही 20-25 साल से चल रहा है कि उनका तबादला जब ट्रांसफर होती है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में उनकी ट्रांसफर होती है। ये बहुत सालों से चल रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो ये लोग जो है, ये फॉरेस्ट गार्ड जो है, ये बड़े बड़े लोगों से फोन करवाते हैं, या कुछ और मामला भी हो सकता है जिस मामले की जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर जानकारी आई भी तो आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं फॉरेस्ट गार्ड जिनका डेजिग्नेशन है, या जो फॉरेस्ट गार्ड के अलावा फॉरेस्टर हैं, उन लोगों को बड़े बड़े ओहदे भी दिए गए हैं। वो अकाउंट्स असिस्टेंट का काम करते हैं, वो जूनियर असिस्टेंट का भी काम करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, जहां सरकार को एक तरफ से पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए थी अकाउंट्स असिस्टेंट की, जहां सरकार को एक तरफ से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए थी, वहीं जो है जुगाड़ पे सारा सिस्टम चल रहा है और इस फॉरेस्ट गार्ड जो है उससे काम जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का लिया जा रहा है, उससे काम जो है अकाउंट्स असिस्टेंट का काम लिया जा रहा है, उससे काम जो है वो क्लर्क का लिया जा रहा है। तो जो काम एक फॉरेस्टर को, एक फॉरेस्ट गार्ड को बीट का करना चाहिए था, जहां उसको जंगल की रखवाली करनी चाहिए थी, जहां उसको देखना था कि कहीं जंगल का कटान तो नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन तो नहीं हो रही है, बीट कहां है, कंपार्टमेंट कहां है, वो सब जानकारी उसके पास नहीं हो और उसे सिर्फ इतना पता हो कि ऑफिस में काम कैसे किया जाता है और तबादला कैसे किया जाता है, एक ऑफिस से एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चूक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर से हो रही है। और उम्मीद और तवक्का इस बात की कि अगर मुझे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुन रहे हैं तो आने वाले वक्त में जरूर वो अपने इस ऑर्डर, जिस ऑर्डर नंबर को मैंने आप सभी लोगों के सामने पढ़ा कि ऑर्डर नंबर 33/2024 डेटेड 14/2/2024 है, इस ऑर्डर नंबर को वो ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि कितने लोगों को मैंने ट्रांसफर जो है एक फॉरेस्ट डिवीजन से दूसरे फॉरेस्ट डिवीजन में की है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में की है, और कितने लोगों की ट्रांसफर मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे में की है, और कितने लोग जो है 20-20, 25-25 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जिन लोगों का तबादला ही नहीं हो रहा है। और जरूर आने वाले वक्त में अगर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई भी किसी भी किस्म का इस ऑर्डर में अमेंडमेंट की, इस ऑर्डर में चेंजेस की, तो आप सभी लोगों तक पहुंचाने की हम जरूर हतुलविसा कोशिश करेंगे। और जो बात हम कह रहे हैं ये बात हमेशा हम स्ट्रेट लाइन पे तथ्यों के आधार पे करते हैं, सच्चाई के आधार पे करते हैं, या फैक्ट्स और फिगर्स की बात की जाती है, हम स्ट्रेट लाइन पे किसी भी किस्म का झूठ जो है नहीं बोलते हैं।
हमने जो कहा वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर तबादले सालों साल से हो रहे हैं और कोई भी बात करने वाला नहीं है। जब हमने बात की तो सूत्रों ने कहा कि जनाब ये जो आप बात कह रहे हैं ये सच्चाई पे मबनी है। तो उम्मीद कि अगर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हमें सुन पा रहे हैं या कोई भी डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आला अधिकारी हमें सुन रहा है तो जरूर इस बात को इस बात पे संज्ञान लेगा और अमेंडमेंट इस ऑर्डर में देखने को मिलेगी। तब तक आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।